गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं कपिल कछौरिया इंग्लिश लेक्चरर एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम स्टार्टिंग माई वीडियो सो स्टूडेंट्स इससे पहले भी हम लोग कई इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश लिटरेचर के लिहाज से प्लस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज जो मैं टर्म डिस्कस करने जा रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो जो टर्म है वो है मेटाफिज़िकल पोइट्स ठीक है तो जो ये टर्म है मेटाफिज़िकल पोइट्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसके आसपास की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग इस पैम्पलेट या इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से समझेंगे तो आप अपना जो नोटबुक है जो कॉपीज़ है वो अपने पास रखिए और अगर आपको थोड़ा तेज़ लगता है मेरा वीडियो तो पॉज करके बीच में डिटेल्स को नोट कर लीजिएगा प्लस इस टर्म के बारे में इस स्पेसिफिक रेफरेंस के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है तो द टर्म मेटाफिज़िक्स पोइट्स वॉज़ कॉइंड बाय क्रिटिक सैमुअल जॉनसन ठीक है तो जो ये मेटाफिज़िक्स फिजिकल पोइट्स की जो टर्म है उसको कॉइन किसने किया यानी उसको प्रोपाउंड किसने किया ठीक है उसको खोजा किसने इन शॉर्ट तो किसने खोजा सैमुअल जॉनसन ने ठीक क्या बोलते हैं सैमुअल जॉनसन टू डिस्क्राइब अ लूज ग्रुप ऑफ सेवेंटीन सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स हुज वर्क वॉज कैरेक्टराइज बाय द इन्वेंटिव यूज ऑफ कंसीट्स एंड बाय अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द स्पोकन रेदर देन लिरिकल क्वालिटी ऑफ दियर वर्स दीज पोएट्स वर नॉट फॉर्मली एफिलेटेड एंड फ्यू वर हाईली 20th सेंचुरी अटेंशन established देयर इम्पोर्टेंस तो सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि पोइट्स का ऐसा ग्रुप जो अपने अहम के लिए जाना जाता हो जो अपनी डिग्निटी के लिए जाना जाता हो और जिन्होंने सेवेंटीन सेंचुरी में अपना काम स्टार्ट किया और वो ट्वेंटी सेंचुरी तक जाने गए अपनी अटेंशन को खींचते रहे अपनी इम्पोर्टेंस को खींचते रहे और उनको हाईली रिगार्ड किया गया उनका हाईली सम्मान किया गया और उनका जो ज़्यादातर काम था वो इस पोकेब चीज़ों पर था रेदर देन कि आप लिरिकल चीज़ों पे ध्यान दो तो लिरिक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था तो ये जो पोइट्स का ग्रुप था जिसको हम लोग मेटाफिज़िकल्स पोइट कहते हैं ये 17th सेंचुरी में सैमुअल जॉनसन ने स्ट्रम को ईजाद किया और ट्वेंटी सेंचुरी तक हाईली रिगार्ड किए गए ये सारे पोइट्स और ये अपनी uh, अपनी डिग्निटी या अपने अहम को लेके जाने जाते थे राइट नेक्स्ट गिविन द लैक ऑफ कोहेरेंस एज अ मूवमेंट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ स्टाइल बिटवीन पोइट्स इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट कॉलिंग दैम बारक्यो पोइट्स आफ्टर द इरा माइट बी मोर यूजफुल वंस द मेटाफिजिकल स्टाइल वॉज इस्टेब्लिस्ड हाउ एवर इट वॉज ओकेजनली अडोप्टिड बाई अदर एंड स्पेशली यंगर पोइट्स टू फिट अप्रोप्रिएट सर्कमिस्टेंसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मेटाफिजिकल पोइट को एक्सेप्ट किया गया जब ये स्टेबल हो गई ये टर्म तो जो न्यू यंगस्टर पोइट थे यानी यंगर जो पोइट्स थे उन्होंने इसको फॉलो किया इस पूरी टर्म को क्या किया एडॉप्ट किया यानी कि अडोप्ट किया तो जो नए यंगस्टर पोइट्स थे उन्होंने भी इस स्टम्प को क्या किया एडॉप्ट किया उसको सराहा और उस उसी तरीके की पोइट्री लिखना शुरू की ठीक है उसके बाद इन दिस इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑन अब्राहम काउली इन लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमीनेट इंग्लिश पोइट्स वन सेवन सेवन नाइन टू एटी वन तो इनकी एक uh, बुक है अब्राहम कावली की बुक का नाम आप कह सकते इन हिज हिज लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमीनियट इंग्लिश पोइट्स की ये किताब है अब्राहम काउली इज अ राइटर अपियर सैमुअल जॉनसन रिफर्स टू द बिगिनिंग ऑफ दिन बिगिनिंग ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी इन विच देअर अपियर अ रेस ऑफ राइटर दैट मे बी टर्म मेटाफिजिकल पोइट तो उन्होंने इस किताब में ये बताया है इस किताब के थ्रू ये बताया इनफैक्ट कि सैम्यल जॉनसन जो थे जो कि एक वेल इन्फ्लुंशियल क्रिटिक थे उन्होंने ये रेफरेंस uh, दिया कि जो सत्रहवीं सेंचुरी यानी जो सेवनटीन सेंचुरी है उसमें दिखाई पड़ती है कुछ राइटर्स की आपस में रेस रेस मतलब वो किस तरीके से लिख रहे थे या क्या अलग तरीका था उनका लिखने का तो उनको ही उन्होंने क्या बोला मेटाफिज़िकल पोइट्स बोला दिस डज़ नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट ही इंटेंडेड मेटाफिज़िकल टू बी यूज इन इट्स ट्रू सेंस जैसा कि हम लोग मेटाफिज़िकल की बात करें तो जो हम लोग देखते हैं कि मेटाफिज़िकल Uh, जो टर्म है अगर हम सीधा सीधा बोले कि मेटाफिज़िक्स यानी बियॉन्ड फिजिक्स से भी बियॉन्ड तो उसका ये रियल मीन नहीं है एक्चुअली उसके रियल मीन है उनका जो इमेजिनेशन जो उनका थाट प्रोसेस था वो भौतिकता से काफ़ी ऊपर था तो इसीलिए उनको मेटाफिज़िकल टर्म दिया गया उनको मेटाफिज़िकल नाम दिया गया एंड देन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट इंक्लूड अ सर्टेन नेचुरलनेस एंड डायरेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज तो इसमें क्या होता था कि हम लोग डायरेक्ट नेचुरल देखेंगे यानी सीधा सीधा प्रकृतिवाद प्लस जो लैंग्वेज होगी वो सीधे होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी उसमें किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर कोई भी बात नहीं होगी जब भी हम मेटाफिजिकल पोइट्स की पोइट्री को देखेंगे प्लस एन एम्फेसिस ऑन द आर्ग्यूमेंटिव एंड यूज़ ऑफ हाइपर एंड एल्यूजन तो इसमें हम लोग जो फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे वो हाइपरबोल होगी और एल्यूजन होगी ठीक है यानी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाया जाएगा प्लस एल्यूजिव मोड पर काम होगा सो द मेटाफिजिकल पोइट सब्जेक्ट मैटर इज़ यूजली फिलासफिकल और डिवाइन एंड ऑल दो दिअ सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर बी ए फर्स्ट ईयर बी ए सेकेंड ई ईयर एंड बी ए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तो आप इसको ज़रूर नोट कीजिए ज़रूर लिखिए क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही है आप इससे अछूते नहीं रह सकते आप इसको पढ़िए समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के हिसाब से अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए